नमस्कार। कक्षा 12 में ये 177 में वेव ऑप्टिक्स हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यतिकरण। क्वेश्चन आता है 4 मिनट में पूछ लिया जाता है, कुछ छोटी छोटी बातें इसमें, रिजल्ट्स हम लास्ट में निकालेंगे महत्वपूर्ण, जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात पूछी जाती है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहते हैं इसे, इंटरफेरेंस। सबसे पहली बात व्यतिकरण होता क्या है, फिर हम उसको डेराइव करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन। व्यतिकरण क्या है, दो कला संबंध स्रोतों से, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के पश्चात ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना होती है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। अब ये ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब क्या है, ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब है कि ऊर्जा का एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाना, वो ऊर्जा का पुनर्वितरण कहलाता है। हमें पता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत सभी जगह लागू होता है कि ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो हम इसमें ये सिद्ध करेंगे कि ऊर्जा जो है वो एक जगह से स्थानांतरित हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम डिफाइन करेंगे चमकीले और काले बिंदुओं के रूप में, वो हम आगे बात करेंगे कैसे होंगे। तो सिंपल एक वर्ड हम इसके लिए ध्यान रख सकते हैं, व्यतिकरण को अगर सबसे कम शब्दों में डिफाइन करना हो तो ये कह सकते हैं ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। लेकिन कब होती है ये घटना, जब दो प्रकाश स्रोतों से, एक वर्णी प्रकाश स्रोत कला संबंध की बात कर ली हमने, एक वर्णी का मतलब एक ही कलर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा, एक वर्णी होगा तभी उनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य समान होगी, तभी उनकी आवृत्ति समान होगी। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगाग्रों के अध्यारोपण के पश्चात ऊर्जा के पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन है ये, की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसमें जैसे मैंने अभी बात की थी कि इस वर्ड को आप जरूर ध्यान रखें कि ऊर्जा का पुनर्वितरण कैसे होगा, ये हम लास्ट तक जब सोल्व करते करते पहुंचेंगे तब हम बिल्कुल डिस्क्राइब कर लेंगे इस बात को, कैसे ऊर्जा एक पॉइंट से ट्रांसफर होकर दूसरे में जा रही। तो जहां से ऊर्जा ट्रांसफर हुई है वहां तो क्या हो गया, ऊर्जा गायब हो गई, गायब होने का मतलब दूसरी जगह चली गई, तो वहां तो हमें अंधेरा दिखाई देगा, तो वहां की जो लाइट है वो कहां चली गई, दूसरे बिंदु पर चले गए, तो वहां उजाला दिखाई देगा, यानी वहां हमें चमकीला बिंदु दिखाई देगा। इस तरह से हम सिद्ध करेंगे कि ऊर्जा क्या हो गई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु स्थानांतरित हो गई। इसके लिए हम क्या मान रहे हैं, इसके लिए एक वर्णी प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। हमने बात की थी कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधि, एक तरंगाग्र विभाजन के द्वारा, दूसरी आयाम विभाजन के द्वारा। तो तरंगाग्र विभाजन जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक प्रकाश स्रोत हम लेते हैं एस, और इसके सामने एक स्लिट रख देते हैं, दो स्लिट रख देते हैं जो यहाँ से समान दूरी पर है। तो यहाँ से जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा उसको यहाँ तक उतना ही टाइम लगेगा पहुँचने में, यहाँ तक भी उतना ही टाइम लगेगा, प्रकाश वही है, एक बल्ब यहाँ लगा है तो उसी का प्रकाश इसमें से जाएगा, उसी का इसमें से जाएगा, दोनों में से क्या होगा, वही प्रकाश, इसीलिए वो क्या है, एक वर्णी भी हो गया। यहाँ से निकलने के बाद में वो समान आवृत्ति का प्रकाश है और कला संबंध प्रकाश है, ठीक है। इनका फर्क क्या पड़ेगा वो हम लास्ट में बात करेंगे इसके अंदर, कि व्यतिकरण पे इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तें भी साथ साथ हो रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बात है कि स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त, प्रतिरूप प्राप्त हो, हमें स्पष्ट समझ में आए उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए,
ठीक है, कला संबंध होना चाहिए, आवृत्ति उसकी समान होनी चाहिए, ये सारी उसकी शर्तें हैं, उसके बिना भी व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। कलर पूरे मिक्स हो रखे एक दूसरे में तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ चमकीला कहाँ काला बिंदु है, यानी हर जगह ही थोड़ा थोड़ा चमकीला दिखाई देगा, थोड़ा डार्कनेस दिखाई देगी, दोनों थोड़ी ब्राइटनेस, तो पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरह से बने कि ये चमकीला बिंदु है ये काला बिंदु है तो पूरा दिखाई दे रहा है कि कौन सा भाग चमक रहा है और कौन सा भाग नहीं चमक रहा है। अब इसमें ही अगर मिक्स हो जाए इस तरह से तो पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, ऐसी स्थिति ना हो इसलिए एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्तों में से भी एक है। अभी हम सोल्व करते हैं इसको डेरिवेशन को। तो इसको दो प्लेट हमने मान ली, ये S1 हो गई और ये S2 हो गई। यहाँ सामने स्क्रीन रखी है, पर्दा रखे है जिस पर हम ये घटना देखना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरण पहुंचेगी और दूसरी यहाँ से पहुंचेगी, तो दोनों में कालांतर होगा, दोनों एक समय में नहीं पहुंचेगी, दोनों में कालांतर होगा, कुछ इसमें टाइम कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसके लिए जो विस्थापन है इस तरह का वो y1 है, इसके लिए विस्थापन है वो, आयाम कुछ भी हो सकता है, इसका आयाम a है और इसका आयाम क्या है b है। आयाम क्या होता है, तरंग के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। जैसे मान लो ये तरंग है, ये तरंग है, तो यहाँ पर भी विस्थापन है, यहाँ पर भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, लेकिन इसका अधिकतम विस्थापन कितना है, ये है इतना, ये अधिकतम विस्थापन है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं तरंग के अधिकतम विस्थापन। तो इसका आयाम हमने मान लिया ए है और इसका बी है, दोनों में कालांतर कुछ भी हो सकता है, कालांतर को मान लेते हैं फाई, ठीक है। तो क्या मान लिए हम, जो माना है वो बातें लिख लेते हैं शॉर्ट में। माना दोनों कौन सी, एस वन व एस टू स्लिट से उत्सर्जित तरंगों के आयाम क्रमशः a व b है तथा इनमें कालांतर फाई है, तब इनके विस्थापन की समीकरण लिख लेते हैं। क्या होगी समीकरण, y बराबर, ये पहले हम पिछली पार्ट में खूब कर चुके हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा में कर चुके हैं हम ये बातें कि समीकरण कैसे लेते हैं, साइन वेव की समीकरण, साइन वेव की तरह होती है ये, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी। किसी भी समीकरण को सबसे पहले उसका आयाम आता है, फिर वो फलन आता है, फिर उसके बाद उसका एंगल आता है। तो यहाँ पर आयाम क्या है, पहली तरंग के लिए ए है और साइन वेव बन रही है, साइन तरंग ये है, इसलिए साइन ओमेगा टी। दूसरी इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लें, a sin omega t, लेकिन इसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम, फाई, कालांतर क्या है फाई, क्लियर। ये समीकरण कैसे लिए हमने, y is equal to a sin omega t और y is equal to a sin omega t plus फाई, फाई क्या दोनों में कालांतर है, जो बातें हमने एज्यूम किए वो हमने लिख लिए इसमें। इसको समीकरण एक और दो देते हैं। कल हमने बात की थी डे 176 में कि अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि तरंगे अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का विस्थापन उनके सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर वो समान कला में है, विपरीत कला में, उसको हम बाद में देख लेंगे। उसके लिए हमने पहले विनाशी और संपोषी अध्यारोपण में बात लिख ली थी कि संपोषी के लिए उसके लिए 0, 2π, 4π का अंतर होता है और विनाशी के लिए पाई 3π, तो वो कोण पे डिपेंड कर रहा है, वो हम बाद में सिंपलीफाई कर लेंगे। तो अध्यारोपण सिद्धांत से क्या बात आ जाएगी, अध्यारोपण सिद्धांत से y परिणामी तरंग का विस्थापन मान लेते हैं y है, क्या देगा y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो a sin ओमेगा t प्लस b, सॉरी यहाँ बी है, बी ध्यान रखें, बी आयाम क्या है, बी है दूसरी तरंग का आयाम, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ थोड़ी सी हम मैथ्स यूज करेंगे इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैथ्स हम यूज कर रहे हैं वो अगर हमें पता है तो बेटर है, नहीं पता है तो आप ब्रैकेट में लिख लें कोई फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो, और उसका ध्यान रखें।
ठीक है, या a sin omega t as it is आ जाएगा, b sin omega t plus 5, तो यहाँ sin a plus b का फॉर्मूला लगेगा, sin a plus b का, जो क्या होता है sin a cos b, cos a sin b, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला कि sin a plus b अगर लिखा हो, a की जगह कुछ भी हो और b की जगह भी कुछ भी हो, तो क्या लिखते हैं इसे, sin a cos b plus cos a sin b, ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला है, ये हम इसमें लगा देंगे, तो a की जगह तो ओमेगा t है और b की जगह phi है, तो क्या लिखेंगे sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi, यानी एक बार sin cos के लगा दो फिर उल्टा कर दो उसे, जो sin के था वो cos के, जो cos के था वो sin के, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम, तो यहाँ वैल्यू पुट करें इसमें, y is equal to क्या आएगा, a sin omega t plus b, b तो बार गुणा में है ही, इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, लगा दें क्या आएगा, sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi, b का अंतर गुणा कर दें, y is equal to आ जाएगा a sin omega t, b का गुणा कर दें b sin omega t cos phi प्लस cos ओमेगा टी, बी से मल्टीप्लाई होगा यहां भी sin फाइव, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, sin ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो ये ले लें sin ओमेगा टी कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा ब्रैकेट में, यहां a बचा प्लस, यहां बचा b और क्या बचा cos फाइव प्लस sin ओमेगा टी a प्लस b cos phi, क्लियर, दूसरा इसके अंदर क्या आ जाएगा cos omega t b sin phi, कैसे लिख लो एक ही बात है, अब देखो इसको भी सिंपलीफाई करने के लिए हम कोई नई वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं यार, कि ये भी एक फॉर्मूला में कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि जो दो तरंगे हमने ली है, नई तरंग का निर्माण होगा वो भी वैसी होगी, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी या तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति होगी या विनाशी की होगी, संपोषी की होगी तो जुड़ जाएगी, विनाशी की होगी तो घट जाएगी, यानी तरंग का आयाम या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तरंग वैसी ही बनेगी, यानी ये भी समीकरण जो है वो उसी के अनुसार आनी चाहिए, इसी समीकरण के अनुसार, इसके लिए क्या करें, यहाँ देखो एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्या a प्लस बी कोस फाइव है और b साइन फाइव है, दो वैल्यू आ रही है, बाकी तो cos omega t में ही है, ठीक है, इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ माना क्यों मान रहे हैं ये भी हम अभी देख लेंगे, a प्लस बी cos फाइव, इसको तो मान लेते हैं r cos थीटा और b साइन फाइव, इसको मान लेते हैं r साइन थीटा, अब देखो r नई वैल्यू आ गई, a प्लस बी cos फाइव r cos थीटा, ए बी साइन फाइव, इसको यानी साइन वाले वैल्यू को साइन में एज्यूम कर लो, कोस वाले वैल्यू को कोस में, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्लियर, एक बार, दूसरी बात आर क्या है, अब देखो ए स्मॉल ए क्या है, क्योंकि हमें बाद में इन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है, ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे आई है वो आप देख ले ध्यान से, आर क्या है यार, ए और बी क्या है, ए पहली तरंग का आयाम है, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन, B दूसरी तरंग का आयाम है, इसका अधिकतम विस्थापन, अब जो नई तरंग बढ़ेगी उनका आयाम क्या होगा हमें नहीं पता, उसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, तो R क्या है, जो नई तरंग बढ़ेगी उसके लिए आयाम है, R क्या है, जो नई तरंग बढ़ेगी उसके लिए आयाम है, तो किस पे डिपेंड करें, A और B पे डिपेंड करें, A और B पे डिपेंड करें, और किस पे डिपेंड करें, फाइव पे डिपेंड करें, कि अगर ए की कला में है तो जुड़ेंगी, विपरीत कला में है तो घटेंगी, पता हमें ये बात, ठीक है, ये बात हम यहाँ से भी सिद्ध कर लेंगे, तो इसका मतलब डिपेंड किस पे, जो गिवन वैल्यूज है वो क्या है, वो है ए बी और फाइव, समझ आ गया, ए बी और फाइव, आर गिवन वैल्यू नहीं है, यानी आर हम इक्वेशन में दिया नहीं है, हमने खुद माना, लिखा ना हमने, माना ये आर दिया क्या है, ए बी हमें दिया है, जो ये हम लेकर चल रहे हैं, ये तो हम लेकर चल रहे हैं, ये हमने सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बात दी है, लेकर क्या चल रहे हैं, ए और बी तो क्या है, पहली और दूसरी तरंग का आयाम है, इनका विस्थापन वाई वन वाई टू है, ठीक है, कालांतर इनमें फाइव है, क्लियर, ओमेगा क्या है, इनकी कोणीय वेग है,
और टी क्या है, समय है, तो कितने समय में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू है। तो अब याद रही पाई, पाई या कालांतर है, तो यहाँ आर का जो मान है वो किस पे डिपेंड करेगा, ए बी और पाई। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आने चाहिए हमें ये पता रहना चाहिए, हम क्या सोल्व कर रहे हैं, हमें आर का मान निकालना है तो किस फॉर्म में आना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए, ए बी और फाई की फॉर्म में। आगे बात समझ में, ए बी और फाई की फॉर्म में इस समीकरण का हम यूज करेंगे। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर तीन, इसे दे देते हैं चार, वैसे हम चार और पांच का यूज करना है लेकिन फिर भी ये मान हम यहाँ रख देते हैं एक बार समीकरण तीन से। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर साइन ओमेगा t cos, इसकी जगह क्या रख देंगे, r cos थीटा, r यहां लिख देता हूं r cos थीटा, प्लस cos ओमेगा t और b साइन फाई की जगह क्या लिख दें, r साइन थीटा। r तो कॉमन आ गया, y इज इक्वल टू r कॉमन आ गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखें एक और फॉर्मूला गया, साइन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वही फॉर्मूला साइन ए कोस बी, देखो लिखा ना साइन ए की जगह ओमेगा टी और बी की जगह थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, आर की आर को बाहर निकाल ले तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, वही फॉर्मूला, ये अलग नहीं है, कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, दोनों में से आर तो हमने कॉमन निकाल लिया, अब ये फॉर्मूला बन गया, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो वाई बराबर क्या आ गया, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, ये समीकरण देखो वैसी है जैसी हम समीकरण लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएंगे वैसे आएंगे, तरंग जो बढ़ेगी वो भी वैसी बढ़ेगी, वैसी बढ़ेगी तो साइन में आनी चाहिए, आगे ना साइन में। समीकरण के कितने भाग होते हैं, समीकरण के दो भाग होते हैं, LHS और RHS। यहां कोई भी तरंग साइन वेव की समीकरण होती है उसके अंदर क्या रहता है, LHS में तो विस्थापन होता है, विस्थापन को हम y से लिख लें, ठीक है, वहां हमने वेग उसके विभांतर की धारा की विभांतर धारा में संबंध किसमें, केवल प्रतिरोध लगाओ, केवल संधारित्र लगाओ, केवल प्रेरण कुंडली लगी हो तो सबके अंदर हमने संबंध लिया था वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो वहां एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t, फिर हम रिलेशन निकालते हैं उनके अंदर क्या है, किसमें करंट आ गया, किसमें वोल्टेज आ गया। तो वहां देखो V is equal to V naught sin omega t, V तो वैल्यू है किसी समय t पर, V naught क्या है, उसका अधिकतम मान है, यानी आयाम है, आयाम अधिकतम मान, यहाँ विस्थापन का अधिकतम मान है, इसको आयाम है, ये आर से लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे क्या आता है, साइन ओमेगा टी, पर ये भी साइन है, साइन फॉर्म में आ रही, तो ये इक्वेशन भी वैसी है जैसी बाकी दोनों है, देखो इन दोनों जैसी इक्वेशन यही है। तो यहाँ ए बी और आर का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, फाई का मतलब क्लियर होना चाहिए, सबसे जरूरी इस डेरिवेशन को करने के लिए, पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है, अपने को पूरा सोल्व करना है, अभी हमने आधा किया भी आधा और करेंगे, हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, अभी हमने आयाम ज्ञात करेंगे आर का मान इन दोनों समीकरण से, फिर तीव्रता निकालेंगे। 11th में हम पढ़ते हैं कि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, जिस तरह का आयाम ज्यादा होता है उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है, फिर तीव्रता के लिए रिलेशन लेंगे संतोषी विनाशी के लिए और आयाम के लिए रिलेशन लेंगे, फिर हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अभी हम पहले इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ एक बात तो क्या है, यहाँ R क्या है, यहाँ R जो है वो है परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, अब इसके अंदर क्या करें, अब हमें R का मान निकालना है चार और पांच से, समीकरण चार और पांच से R का मान कैसे निकालें, समीकरण चार और पांच का वर्ग करके जोड़ दें तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से आर स्क्वायर को मनाएगा जोड़ देंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये इसका मान क्या होता है, एक होता है, ये सरल समीकरण होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है। तो क्या करो कि चार का वर्ग करके पांच के वर्ग करके इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो LHS में LHS जोड़ दो, RHS में RHS जोड़ दो, यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर एच एस जोड़ दिया हमने,
इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं, a प्लस बी कोस फाइव इसका होल स्क्वेयर प्लस इसका होल स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव, दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, ये आ गया कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है वन। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लग रहे क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी ये होता है, तो यहाँ ए का स्क्वेयर करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर करेंगे तो बी में पूरा मान है बी कोस फाइव तो बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव प्लस टू ए बी दो को फिर दोनों से गुणा कर दें टू ए बी कोस फाइव प्लस क्या रहा है बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा ये हो गया वन। इधर भी देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वेयर तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वेयर फाइव प्लस कोस स्क्वेयर फाइव तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा क्योंकि वही बात इसमें लग रही है, तो यहां से ये तो गया आर स्क्वेयर और इधर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस लिख देता हूं एक बार मैं पूरा इसको बी स्क्वेयर तो ये ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, ये स्टेप ऐसा कैसा बचेगा प्लस टू ए बी कोस फाइव तो इसका मान एक हो गया, आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस समीकरण नंबर तो ये तो छह है इसकी जरूरत रहेगी हमें अभी तो आर स्क्वेयर का मान है सात सॉरी अभी तो आर स्क्वेयर का मान है आर का मान निकाले तो क्या आएगा अंडर रूट ले ले ठीक है आर का मान निकालेंगे तो क्या देगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस फाइव समीकरण नंबर दे दो इसको आर ये तो आ गया किसका मान आर का मान यानी समीकरण आठ किसको व्यक्त करती है जो परिणामी तरंग बनेगी अध्यारोपण के बाद में उसके आयाम को व्यक्त करती है और वो किस पे निर्भर करेगा ए पर निर्भर करेगा बी पर निर्भर करेगा और फाइव पर निर्भर करेगा इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा दो आ रहा है जो कॉन्स्टेंट है उसका तो मान दो का दो ही रहता है क्लियर तो ये वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इसके आयाम को बता सकते हैं कि आयाम कितना होगा कौन पे डिपेंड करेगा अभी हम आगे सोल्व करेंगे इनकी स्पेशल केसेस लेंगे कंडीशन तो यहाँ समीकरण आठ किसको व्यक्त करती है समीकरण आठ परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है जिसका मान ए बी एवं फाइव पर निर्भर करता है। अब एक बात और निकालनी है हमें क्या तीव्रता तीव्रता क्या होती है तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है क्या होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती परिणामी तरंग की तीव्रता हम निकाल रहे हैं परिणामी तरंग की तीव्रता तो परिणामी तरंग का आयाम क्या है आर है तो आर के वर्ग के समानुपाती होगी अगर हम अलग अलग बात करें पहली तरंग की तीव्रता तो पहले तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई वन की बात करें तो आई वन जो है वो किसके समानुपाती होगा ए स्क्वायर के इसकी तीव्रता आई टू है तो किसके समानुपाती होगा बी स्क्वायर के परिणामी तरंग की तीव्रता आई है तो वो किसके समानुपाती होगा आर स्क्वायर के क्लियर तो यहां परिणामी तरंग की तीव्रता आई तो ये लिख सकते हैं आप तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तो आई बराबर क्या आएगा समानुपाती हटाएंगे नियतांक ले रहे हैं यहां के तो के आर स्क्वायर इसलिए इसको समीकरण साफ दिया था कि आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट रख दे हम चाहिए ना आर स्क्वायर तो ऐसा वैसा ये मान रख दिया हमने यहां तो आर स्क्वायर का मान रख दो कहां से समीकरण सात का मान रखने पर I इज इक्वल टू क्या देगा के ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस फाइव
मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आई बराबर क्या आएगा, के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर प्लस के इंटू टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस फाइव। अब देखो जैसे आयाम का जो मान है वो आयाम की फॉर्म में निकाला गया है, आर का मान ए और बी की फॉर्म में, आर परिणामी तरंग का आयाम, ए पहली तरंग का आयाम, बी दूसरी तरंग का आयाम, वैसे ही तीव्रता का मान भी तीव्रता की फॉर्म में निकालेंगे कि पहली तरंग की तीव्रता क्या है, आई नियतांक के, ठीक है, के लेंगे तो के स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर इधर क्या रख सकते हैं, आई वन लिख सकते हैं ना, यहां आई वन समानुपाती ए स्क्वायर पूरा लिख देता हूं मैं, आई टू समानुपाती बी स्क्वायर, तो आई वन बराबर क्या आ जाएगा के ए स्क्वायर, आई टू बराबर आ जाएगा के बी स्क्वायर, याद आएगा, तो इनकी जगह तो रख देंगे आई वन और आई टू, लेकिन अब इसकी जगह क्या रखें, किसकी जगह है 2ab cos phi, ऐसा नहीं है कि आधे मान तो आई वन आई में रख दो आधे मान ab में रख दो, ऐसा नहीं है, सभी मान एक ही फॉर्म में होने चाहिए। उसके लिए क्या करें, इसको भी कन्वर्ट करें, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर इसका अंडर रूट लें, इसका अंडर रूट लें तो अंडर रूट आई वन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ना। यहां बात करें अगर अंडर रूट आई टू लें तो इसका मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट के इंटू बी आ जाएगा। अब देखो इसको तो ऐसा कैसा रख दें, आई बराबर के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस टू, तो ऐसा कैसा है ही, के के दो टुकड़े कर दें, दो टुकड़े किसी भी राशि को अंडर रूट गुणा अंडर रूट लिख सकते हैं ना, अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो क्या होगा, दो होता है, तो के को भी क्या लिख दें, अंडर रूट के गुणा अंडर रूट के, एक अंडर रूट के तो ए के साथ आ गया, एक अंडर रूट के बी के साथ आ गया, हो गया ना, तो इसकी जगह अंडर रूट आई टू, इसकी जगह अंडर रूट आई वन, वैसे लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू ए, बात वही है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है, तो आप इतना करने की जरूरत नहीं है, इस समीकरण को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, तो अंडर रूट के गुणा अंडर रूट के क्या हो गया, के टू है, ए बी है, कोस वाई है, जी तुमने केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया लिखने का तरीका, तो इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं नौ, समीकरण नौ में ये मान रख दो, समीकरण नौ से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू यहां से आई वन, या आई वन ये प्लस आई टू यहां से प्लस टू, ऐसा जैसा इसकी जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट आई वन इंटू, इसकी जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट आई टू इंटू कोस फाइव, समीकरण नंबर दस। तो इसका मान भी, तीव्रता का मान भी किस पे निर्भर करता है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं पे निर्भर करता है और कालांतर पे निर्भर करता है। आयाम का मान किस पे निर्भर करता है, दोनों तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है और कालांतर पर निर्भर करता है। तो ये समीकरण 10 क्या बता रही है, समीकरण 10 परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है, परिणामी तरंग के आयाम को व्यक्त करती है। ये तो आगे तीव्रता और आयाम, अगर ये कहा जाए कि तीव्रता और आयाम के व्यंजक प्राप्त कीजिए जैसा नॉर्मली कहा जाता है, तो आपको इतना इसके अंदर करना है। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं ये स्पेशल कंडीशन से, क्योंकि जहां पर कोण आ जाता है वहां पर स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि जीरो डिग्री पर क्या खास बात होगी, नब्बे डिग्री पर क्या खास बात होगी, और 180 डिग्री पर क्या खास बात होगी, ठीक है। यानी वो जो इक्वेशन, जो बड़ी इक्वेशन लिखी होती है वो सिंप्लीफाई होकर छोटी सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे परिणामी बल क्या ले लिया हम, एफ बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा, लेकिन जब एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा का मान जीरो डिग्री हो जाता है, तब परिणामी बल एफ वन बराबर एफ वन प्लस एफ टू आ जाता है, दोनों का जोड़ आ जाता है, वो वही से आता है कि वो स्पेशल केस से, तो फिर हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता। यानी अगर इसमें जीरो डिग्री कोण है, जो कालांतर जीरो है, कालांतर जीरो है यहाँ, तो उसी स्थिति में हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हम एक बेसिक रिजल्ट पहुंच जाएंगे जो हम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो आगे अगर डेरिवेशन के लिए कहा जाए तो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ऊर्जा का पुनर्वितरण कैसे होगा,
ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट और है, अभी इसको और सॉल्व करेंगे। वो स्पेशल केस अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, यदि कालांतर क्या हो। अब अध्यारोपण कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। तो व्यतिकरण भी कितने तरीके का हो गया? दो तरीके। संपोषी अगर कंडीशन होगी तो उसको संपोषी व्यतिकरण कह देंगे, विनाशी होगी तो उसको विनाशी कह देंगे। हमें यहाँ पूरा डिफाइन नहीं करना संपोषी होता है विनाशी होता है, वो हम पहले कर चुके हैं और यहाँ करना भी नहीं है डेरिवेशन आए तो हमें केवल ये बताना है कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति क्या होगी। तो हमें पता है कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कालांतर हमें पता होना चाहिए क्या होता है। संपोषी व्यतिकरण में कालांतर फाई का मान 0 होता है, 2π होता है, 4π होता है और पूरा लिखिए तो 2n π होता है। नहीं याद रहे तो 0 तो याद रहे, ठीक है, तो कितना होता है 0 होता है, ये भी लिख सकते हो 0 होता है। तो cos 0 का मान क्या आ गया, cos 0 का मान क्या आ गया 1। जब cos 0 का मान 1 आ गया तो समीकरण 8 और समीकरण 10 आसान हो जाएगी। यहाँ क्या रख देंगे cos 0 की जगह 1, 1 रखेंगे तो क्या है a² + b² + 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया a + b² होल स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 8 से परिणामी तरंग का आयाम क्या आएगा, आयाम आएगा r = a² + b² + 2ab√। r बराबर क्या आ जाएगा a + b² होल स्क्वायर का √, और होल स्क्वायर में अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा a + b। ये अधिकतम आयाम होता है, ठीक है। क्या होता है ये अधिकतम आयाम कब प्राप्त होता है, जब एक ही कला में होते हैं। ये तो हमने बात की थी, वहां एक समान कला में है तो कौन कैसा आयाम आएगा, अधिकतम आयाम होगा जो दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम विस्थापन भी तो कैसे जोड़ते हैं, y = y1 + y2, आयाम भी क्या आ गया a + b, a पहली तरंग आयाम, b दूसरी तरंग आयाम। दूसरी बात इसके अंदर एक और डाल देते हैं, यदि दोनों तरंगों के आयाम बराबर हैं तो क्या होगा, a बराबर b, तो इस स्थिति में क्या होगा, r मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा, इसकी b की जगह भी a रख दें कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ना, आगे बात समझ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इस स्थिति में तीव्रता और निकाल लेते हैं, क्योंकि तीव्रता में तो cos phi रखना है ना तीव्रता, तो समीकरण 10 से तीव्रता। तो अभी क्या करना है, देखो अगर वहां तक समझ में आ गया तो यहाँ आगे कुछ भी नहीं है, आगे हमें cos 0 का मान रखना है संपोषी में। विनाशी में पता है क्या होता है पाई होता है कालांतर, पाई 180 डिग्री से शुरू होता है, तो पहला तो अपने ध्यान रह ही सकता है इजी वे में कि 180 डिग्री होता है, तो हम लिखते कालांतर पाई होता है, पूरी मत लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पाई कालांतर कितना होता है पाई होता है, phi = π। पाई का मान cos 180 का मान होता है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो जो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है वो किसका बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब तीव्रता को सोल्व कर लेते हैं, i = क्या आया, i1 + i2 + 2√i1√i2, क्लियर। इसको भी a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर इधर किसका होता है, या ए बी जो लिखा होता है उसी का तो स्क्वायर होता है a² + b², यहाँ क्या लिखा है √i1 √i2, तो किसका स्क्वायर है ये √i1 का प्लस √i2 का, √i1 का स्क्वायर करेंगे तो i1, √i2 का स्क्वायर करेंगे तो i2 प्लस आगे ना 2ab, तो
ए का मतलब यहाँ अंडर रूट आई वन है और बी का मतलब यहाँ अंडर रूट आई टू है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी भी ये बातें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इसका बन गया ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये स्थिति फिर लगा रहे हैं इसमें, जब दोनों तरंगों का आयाम बराबर है, यदि आयाम बराबर है तो उनकी तीव्रता भी क्या होगी, तीव्रता भी बराबर होगी, आयाम बराबर तो क्योंकि तीव्रता किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है आयाम के, आयाम भी समान है तो तीव्रता भी क्या होगी समान होगी। ये हम एक स्पेशल केस मान रहे हैं, ये सामान्य वैल्यू है इसकी, ठीक है, स्पेशल केस मान रहे हैं। अगर दोनों एक जैसी तरंगे हैं तो रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है, उससे कंपैरिजन हो जाएगा आसानी से, इसलिए ऐसा ले लें। तो यदि आयाम समान है, यदि आयाम समान हो तो तीव्रता भी समान होगी, तो क्या आएगा आई वन बराबर क्या होगा, तो दोनों ही बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना, तो इस स्थिति में क्या आएगा आई मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा आई मैक्सिमम, जो क्या आएगा आई वन और आई वन रख दो, चाहे दोनों की जगह चाहे आई रख दो, ठीक है आई वन रख देते हैं मान लो, तो ये क्या आएगा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का, सॉरी इसकी जगह भी बन रखेंगे होल स्क्वायर, जुड़ गया ना, कितना हो गया टू अंडर रूट आई वन, कितना हो गया टू अंडर रूट आई वन, और दो का स्क्वायर कितना हुआ चार, और अंडर रूट का इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा आई वन, तो आई मैक्सिमम बराबर क्या है यहाँ आई वन, किसकी तीव्रता थी पहली तरंग की तीव्रता थी, वन का मतलब पहली तरंग, टू का मतलब दूसरी तरंग, ठीक है, आई वन क्या थी पहली तरंग की तीव्रता थी, तो यदि आयाम बराबर है तो तीव्रता पहली तरंग की तीव्रता की कितनी गुणा हो जाएगी, कितनी गुणा हो जाएगी, कितनी गुणा चार गुणा हो जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी, ये तो एक स्थिति आ गई, कौन सी संपोषी व्यतिकरण, दूसरी स्थिति दे देते हैं किसकी विनाशी की, जब संपोषी की आ गई तो विनाशी की भी कर लेंगे आप, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं मैं, आप इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा विनाशी में इतना लिखना है कि विनाशी में फाई का मान कितना होता है पाई थ्री पाई और टू एन प्लस वन इंटू पाई, ठीक है इस तरह लिख देते हैं इसको, नहीं ध्यान रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला ध्यान होना चाहिए कि से लिख दिया, और कोस पाई का मान क्या होता है कोस पाई का मान माइनस एक होता है, और टू पाई जोड़ने पर हर मान रिपीट होता है, ठीक है चाहे कोई भी त्रिकोण भी दिखल हो, तो कोस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, तो यहां से क्या देगा आर बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, इतना लिखने की क्या जरूरत है, वही तो बात लिखनी है दोबारा, ये लिखनी है, लिख सकते हैं ना वही फॉर्मूला है, बीच में क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसी तरह इसके अंदर चलेगा, लेकिन यहाँ देखो क्या आएगा, यदि आयाम समान है, वो कंडीशन लगाते हैं, यदि आयाम समान है तो ए बराबर क्या है बी है, इसकी जगह भी ए रखेंगे तो आर बराबर क्या देगा, क्या देगा आर मिनिमम का मान कितना गया जीरो आ गया, इसी स्थिति में आर जीरो, तीव्रता आयाम के समानुपाती होती है, आयाम जीरो तो तीव्रता भी, चाहे तो सोल्व करके देख ले, यहां से सोल्व करके देखें तो नीचे माइनस आएगा, नीचे माइनस आएगा, आई वन बराबर आई टू रखेंगे तो आई वन माइनस आई वन क्या होगा जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो, तो यहां से आई मिनिमम का मान भी क्या आएगा जीरो आएगा, क्लियर समझ में आएगा ना, इतना चाहो तो पूरा लिख लो आप इसे, और नहीं लिखो तो एग्जाम में भी नहीं लिखो तो भी दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो यहाँ से, क्योंकि जब हमने ये पूरा सोल्व कर रखा है तो वही बात यहाँ लिखनी है, दोबारा उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार चाहे आप समझने के लिए लिखना चाहें तो सोल्व करके इसको देख लें तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखो अगर औसत तीव्रता निकाले इनकी, औसत तीव्रता आई एवरेज, तो आई एवरेज क्या आएगी, औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की, दो राशियां ले लो मिनिमम की ले लो मैक्सिमम की ले लो, जैसे हमने ये ले ली मैक्सिमम यहाँ कितना है 4i1, तीव्रता की बात करें तो, और दूसरे बिंदु पर मिनिमम है वहां कितना है जीरो, दोनों को जोड़ के कितने का भाग दे दो, दो का, तो आई एवरेज कैसे आएगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय टू,
तो आई एवरेज कितना आ गया, कितना आएगा 4i प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना आ गया 2i आ गया। तो एवरेज तीव्रता तो अब पता चल जाएगा पुनर्वितरण कैसे होता है, एवरेज तीव्रता तो कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए 2i, 2i होनी चाहिए ना, लेकिन एक बिंदु ऐसा है जहां तो कितनी हो गई तीव्रता 4i हो गई, और एक बिंदु ऐसा है जहां कितनी हो गई, इसका मतलब एवरेज का मतलब हर जगह कितनी होनी चाहिए 2i होनी चाहिए, 2i होनी चाहिए, 2i होनी चाहिए हर जगह। तो एक जगह यहां से तो कम हो गई 2i, कम हो गई, ये तो हो गई 0 और वो 2i पहुंच गई यहां, तो यहां कितनी हो गई 4i। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है इस तरह से, क्या होता है ऊर्जा कहां से संपोषी व्यतिकरण पर पहुंच जाती है विनाशी व्यतिकरण से, ठीक है। तो विनाशी व्यतिकरण पर तीव्रता 0 का मतलब अंधेरा, तीव्रता 0 का मतलब अंधेरा, वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, तीव्रता मतलब लाइट, वहां रोशनी दिखाई देगी, उससे पता चल जाएगा कि यहां व्यतिकरण की घटना हो रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर ये रोशनदान होते इनसे देख सकते हैं अपने इजीली, कभी कभी दिखाई देती है ऐसी घटनाएं कि दो छिद्रों से प्रकाश आ रहा है और फिर अपने को एक घेरा सा बना हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है वही व्यतिकरण होता है। और उसके लिए कैसा ऐसा दिखाई देता है वो, ये बीच का चमकीला बिंदु है मान लो ये, फिर ऐसे घेरा दिखाई देगा और उसके बाद फिर ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, इस तरह की हमें संरचना दिखाई देती है। वो क्या होती है, वो व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण क्या होता है ऊर्जा का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण कैसे होते हैं, एक स्थान से ऊर्जा स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो जहां से स्थानांतरित हुई है वहां तो कम हो जाती है, और हमने बराबर मान लिया इसलिए कि पता चल जाए एक्चुअल कितना है, 0 है तो दूसरे में डबल हो गया। क्लियर, अब इसका एक डायग्राम और हमें बढ़ाना है, वो आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं ऊर्जा पुनर्वितरण ग्राफ, वो पूछ लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां ले रहे हैं 0 डिग्री, यहां ले रहे हैं पाई, यहां ले रहे हैं 2 पाई, यहां ले रहे हैं 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसी तरह ये बात माइनस में भी अप्लाई होगी, -5, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -6 पाई। अब देखो आपको पता होना चाहिए कहां संपोषी कहां विनाशी है, 0 पे क्या है संपोषी, 2 पाई पे संपोषी, 4 पाई पे संपोषी, और विषम वाली पे विनाशी। तो विनाशी पे तीव्रता कितनी है 0, संपोषी पे अभी हमने किया था क्या थी अधिकतम थी ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर तो तीव्रता ये मान लेते हैं अधिकतम तीव्रता का बिंदु है, यहाँ क्या है आई मैक्सिमम है, और ठीक है यहां पर क्या है आई मिनिमम है, यहां पर फिर आई मैक्सिमम है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहां 0 हो जाएगा धीरे धीरे बढ़ेगी, यहां अधिकतम हो जाएगा, फिर यहां 0 हो जाएगा, फिर यहां अधिकतम हो जाएगा 4 पाई पे, फिर 0 हो जाएगा 5 पाई पे, 6 पाई पे अधिकतम हो जाएगा। इसको कहते हैं ऊर्जा पुनर्वितरण ग्राफ, माइनस में भी वही बात लगेगी, ठीक है इस तरह से चलेगा ग्राफ, 5 पाई पे 0, 6 पाई पे अधिकतम। तो इसके सामने तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ एक चमकीला भाग दिखाई देगा, जाम नहीं बना रहे इसका मतलब इसके बीच में अंधेरा है, काला दिखाई दे रहा है, यहाँ चमकीला है, ठीक है यहाँ चमकीला है, जो बीच का भाग है पट्टियां ये काली है, अंधेरा है, ये नहीं है ब्लैक मार्कर से बना रहे हैं तो ये काला है, इसको हम चमकीला है मान रहे हैं, ठीक है चमक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह ग्राफ होता है, तो जब ग्राफ पूछा जाता है तो ये ग्राफ आपको पढ़ना है। इधर तो क्या लिया हमने एनर्जी ली है, इसकी तीव्रता ली है, इधर तो क्या लिया है इस वाई एक्स पे तो क्या लिया हमने आई का मान लिया है, इधर हमने क्या लिया है इधर और इधर किसका मान लिया है पाई का मान लिया, ठीक है कालांतर और तीव्रता में ग्राफ। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा जरूर है टॉपिक, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस थोड़ी सी एक दो बार करने की जरूरत है,
ताकि कैलकुलेशन कोई ज्यादा यूज नहीं करते अपने। जैसे देखिए यहाँ जब हमने यूज कर लिया तो तीव्रता के लिए एक परिभाषा यूज कर रहे हैं हम ग्यारहवीं क्लास की, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, लगा दिए हमने, ठीक है। फिर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। तो अलग अलग तरंगों के लिए देख लो, पहली तरंग के लिए तीव्रता कितनी है, आई वन है, वो पहली तरंग के आयाम की समानुपाती होगी वर्ग की। दूसरी तरंग की तीव्रता आई टू है, वो दूसरी तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो दोनों की से ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। अब क्या लगाना है, कुछ नहीं करना, दोनों के अंदर कोस फाई दिख गया तो हमें कोस फाई अप्लाई करना है कि 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, इनके अलावा भी हो सकता है। अगर इनके अलावा होगा तो वो डिपेंड करेगा फाई पे, जितना मान होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो उससे कोई विशेष रिजल्ट नहीं आते हैं। जैसे मान लो कोस 30 डिग्री है, अब कोस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 है तो वो रखेंगे अपने, तो उससे क्या आएगा, कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, कैलकुलेशन रहेगी, वो हमें नहीं करनी है। तो हम विशेष स्थितियां लेते हैं जिसमें कुछ विशेष रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं, अधिकतम और न्यूनतम की स्थितियां प्राप्त होती है संपोषी और विनाशी पर। तो संपोषी पर क्या होता है, अधिकतम आयाम अधिकतम तीव्रता, विनाशी पर क्या होता है, न्यूनतम आयाम न्यूनतम तीव्रता। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसी बातें कुछ भी पूछी जा सकती है इनसे संबंधित, कि न्यूनतम आयाम किस स्थिति में होता है, न्यूनतम तीव्रता किस स्थिति में होती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण ग्राफ क्या है, गतिकरण को परिभाषित करो, तो परिभाषित करो तो सबसे पहले एक लाइन लिखी थी वही लिखनी है, हो गया ना, ऊर्जा का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ वाली ऊर्जा यहाँ चली गई, यहाँ वाली ऊर्जा यहाँ चली गई, यहाँ वाली ऊर्जा यहाँ चली गई, एवरेज तो कितना होना चाहिए, ये है इसका एवरेज तो, लेकिन इस पर तो कोई मान है ही नहीं, ये एवरेज है इसका 2i, या तो 0 है या अधिकतम है, या 0 है या अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पर तीव्रता कितनी है, यहाँ पर तीव्रता है 4i, यहाँ पर तीव्रता कितनी है, आई का मान कितना है 0, ठीक है। तो इसको लिख लें, समझ लें, प्रैक्टिस जरूर कर लें, दिक्कत रहे तो एक दो बार देख लें इसको, बाकी फिर आगे नेक्स्ट बाद में करेंगे हम अगली क्लास में।